राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लग गई है। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को यह बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की दोष सिद्धि पर रोक लगा दी है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है मोदी सरनेम केस में, जहां गुजरात हाईकोर्ट की ओर से राहुल गांधी की दोष सिद्धि हो चुकी थी। राहुल गांधी को 2 साल से ऊपर की सजा हो चुकी थी और उसी सजा को आधार बनाकर वायनाड से उनकी सांसदी खत्म कर दी गई थी, उनकी सांसदी उन्हें छोड़नी पड़ी थी। तो ऐसे में अब ये एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से। और हरियाणा के डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, राहुल गांधी को एक बहुत बड़ी राहत है, ऐसे में अब तमाम तरह के सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी को उनकी सांसदी वापस मिल पाएगी? दोष सिद्धि पर रोक लगी है, दोष मुक्ति नहीं हुई। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो AICC की तस्वीरें देखी आपने, बस एक रिएक्शन सर बस है। हाँ सर, अभी शुरू, बस एक रिएक्शन सर हो गया, बस अब एक पहला उदयवान जी से ले लेता हूँ। उदयवान जी क्या कहेंगे, पहला रिएक्शन, एक बड़ा राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है? ये बहुत खुशी की बात है। हम तो पहले कह रहे थे कि ये जो पहले जो फैसले हुए हैं उसमें कोई ना कोई जरूर राजनीतिक कोई षड्यंत्र लग रहा था, और हमने उम्मीद जाहिर की थी कि सुप्रीम कोर्ट में हमें निश्चित तौर से राहत मिलेगी, और ये राहत मिली है। उनके सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत धन्यवाद करते हैं, और ये बहुत ही हम इसकी सराहना करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज राहुल गांधी जी को बिल्कुल स्टे कर दिया सारा जो सेंटेंस थे, और कहा कि फैसला गलत था निचले कोर्ट का। एक जश्न की तस्वीरें AICC से हम दिखा रहे थे, बस एक सवाल आपसे ले लेता हूं कि आज भी अच्छी खासी भीड़ जी। रामदान सिंह जी विधायक भी हमारे साथ हैं, किस तरह की जो भीड़ नजर आ रही है? उड़ा साहब की आवाज पर वो कह रहे हैं कि बाद में बात करेंगे। जी बिल्कुल, बाद में सर, मैं अभी कर लेता हूँ सर, इनसे ले लेता हूँ रिएक्शन। जी देखिए, बहुत खुशी की बात है, बहुत लंबे समय तक एक ऐसा असमंजस पैदा कर रखा था जिसपे आम आदमी को किसी तरह से भी कोई मतलब ये समझ लो कि सहमति नहीं थी। आज भारतीय न्यायालय ने एक न्याय करके न एक ऐसा फैसला दिया है जिसकी रिएक्शन पूरे प्रदेश और देश के अंदर बड़ी खुशी भरी है, और हम इस बात के लिए ये मतलब ये समझ लो कि प्रदेश के नहीं देश की तरफ से धन्यवाद करते हैं हमारी जुडिशरी का, जिन्होंने न्यायपालिका का अच्छा और सच्चा धर्म निभाते हुए राहुल जी के सच्चाई को साथ लेते हुए इसका फैसला किया है। और हम राहुल जी को भी बधाई देते हैं जिन्होंने जीत की जो है एक तरह से हासिल किया जीत को, और मैं समझता हूँ कि भविष्य के अंदर भी ये जीत इसी तरह से कामयाब रहेगी। अध्यक्ष जी, एक सवाल, 9 तारीख का एक लेटर आपने निकाला है, किस तरह का विरोध प्रदर्शन कांग्रेस करने वाली है हरियाणा में? 9 तारीख को तो भारत छोड़ो आंदोलन का है कि वर्षगांठ है, तो उसके संदर्भ में हमने सबको लेटर निकाला है कि वो अपने अपने इलाके में सारे जो आज के हालात हैं उन पर भी चर्चा करें, अपना प्रदर्शन करें, अपना झंडा फहराएं, सारा जो भी है अपना लोकतांत्रिक तरीके से सभी में, जैसा हम हर वर्ष करते हैं 9 अगस्त को तो हमेशा से हम करते रहे पार्टी के। वो जश्न की जो तैयारी है आप लोग की, इसी वजह से नहीं, जश्न तो लोगों की खुशी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, जो सुप्रीम कोर्ट ने सच्चाई की जो जीत है, पहले से हम कहा कि भैया राहुल जी बिल्कुल सच्चाई पर, उन्होंने कोई कुछ गलत नहीं कहा, और उनको जो सजा दी गई थी वो बिल्कुल अनुचित थी, उसमें कुछ राजनीतिक साजिश की बू आ रही थी, और हम उसमें असहमति हमने सबने व्यक्त की थी हमारी पार्टी ने, और ये आज सच साबित हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट को भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने सच्चाई की जीत की। शुक्रिया सर, मैं तस्वीरें दिखा देता हूं, जो तमाम भीड़ है यहां दिल्ली में दीपेंद्र हुड्डा का इस सरकारी आवास है, तमाम जो लीडर्स पहुंचे हुए हैं, कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, कुछ तस्वीरें AICC से नजर आई थी, और अभी कुछ देर बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अच्छी खासी भीड़ भी यहां नजर आ रही है। और अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से एक राहुल गांधी को राहत मिली है उसके बाद यहां दिल्ली आवास की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां जिस तरह से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा मौजूद होंगे, भूपेंद्र हुड्डा अभी थोड़ी देर बाद मीडिया से इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, और तस्वीरों में आप देखें तो किस तरह से यहां तमाम जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, और तमाम जो भीड़ है यहां भी इसी मुद्दे पर नजर आ रही है। ओवर टू यू हार्दिक।
बिल्कुल विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने उदय भान से एक्सक्लूसिवली जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर बातचीत की है। इसी के साथ आपने राव दान सिंह से भी बातचीत की। कांग्रेस में जिस तरह से खुशी की लहर देखने को मिल रही है, ये दोष सिद्धि पर रोक को लेकर है, लेकिन क्या वायनाड से वो फिर से सांसद बनेंगे, उनकी सांसदी वापस लौटेगी या नहीं लौटेगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, निश्चित तौर पर इस मुद्दे पर भी टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स हैं वो निकल कर आएंगे बहुत जल्दी, और निश्चित तौर पर सवाल ये है कि सांसदी लौटेगी या नहीं। और वहां पर अगर आप और तस्वीरें दिखा सकें, उन लोगों से बातचीत कर सकें, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस के कार्यालयों की अगर हम बात करें, या जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं दीपेंद्र हुड्डा के आवास पर, वहां की हम बात करें, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में एक नई जान फूंक दी गई है। कांग्रेस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, इस बड़ी राहत के बाद, एक नया उत्साह देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की खुशी एकदम अलग नजर आ रही है। इन कार्यकर्ताओं से अगर आप बात कर सकें, अगर ये अपनी खुशी का इजहार हमारे माध्यम से करना चाहें तो। एक AICC पे जश्न है, यहाँ हुड्डा साहब दीपेंद्र का आवास है, यहाँ भी काफी बड़ी सी जो एक तरह से भीड़ है। ये राहुल गांधी को जो राहत है सुप्रीम कोर्ट से, उसी की भीड़ है, और किस तरह से इसे कांग्रेस के कार्यकर्ता ले रहे हैं। बिल्कुल, जो ये कोठी भीड़ है, आने वाला जो 2024 का समय है, और इसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो 10 साल में काम किए थे, चाहे गरीब वर्ग के लिए गए थे, व्यापारी वर्ग के लिए किए थे, किसान वर्ग के लिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है राहुल, बिल्कुल वो खुशी बनाने के लिए खुश है, उससे हम सब कार्यकर्ता खुश है। आने वाला समय कांग्रेस का है, राजीव गांधी का है, वो हरियाणा के देश के जो है प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई द्वारा नहीं। राहुल गांधी जी का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके लिए खुशी भी मनाई जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी हमारे देश के नेता है। इन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, पूरे हिंदुस्तान में जो यात्रा निकाली थी, उससे कांग्रेस का बिल्कुल एकदम ग्राफ उठ गया, और चाहते हैं लोग अब इनके ड्रामेबाजी बिल्कुल खत्म हो गई है, जात पात की बात करते हैं। बिल्कुल, तो हार्दिक देख सकते हैं जो आपका सवाल था, तमाम लोगों से बातचीत करी, और ओवर टू यू। बिल्कुल, और विनोद, मैं देख सकता हूँ कि कांग्रेस के कार्यकर्ता इतने खुश हैं कि वो राहुल गांधी को भी राजीव गांधी कह गए, यानी उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, जो उनके चेहरे से साफ झलक रही है, जो उनके बर्ताव में साफ दिखाई दे रही है। इस बीच ये बड़ी खबर सामने आई है कि राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगा दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद इस जानकारी के लिए।